हाय गाइस, क्या हाल है। तो फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है सभी का। तो गाइस, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे 2 एक्स सीरीज बेब्लेड्स का और 2 मेटल सीरीज बेब्लेड्स का। ये किसी 4 लकी विनर्स को मिल सकते हैं गाइस। इसमें से एक ये मिड फेक है, बाकी सारे फेक्स हैं, बट हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है गाइस। ओके, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो में जाके कमेंट करना है, थोड़ी सी वीडियो देखनी है, ठीक है। और गाइस एक चीज़ और, इसका जो गिव अवे विनर अनाउंस करेंगे वो करेंगे हम संडे को, यानी कि अभी कितना है, आज शायद थर्सडे है मे बी, तो 2-3 दिन के बाद में गिव अवे विनर अनाउंस कर देंगे। 4 लकी विनर्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं मल्टीपल गिव अवेज लाता रहूँगा, तो जो भी देख रहा है वीडियो को कर दो सब्सक्राइब जिसने अभी तक किया नहीं है, और लाइक कर दो। लाइक एम हम रखते हैं आज की वीडियो का 2000 लाइक्स का। मुझे नहीं पता ये कभी भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बट आज इसके लिए कर देना भाई। आज करेंगे हम एल्ड्रेगो डिस्ट्रक्टर की अनबॉक्सिंग, वो भी नए की, ठीक है। देखेंगे कितना बढ़िया निकलेगा ये, एंड मिड फेक है तो वो भी देखना पड़ेगा कितनी अच्छी क्वालिटी होगी इसकी। ओके गाइस, तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनका स्टिकर मैं लगा दिया है भाई, यहाँ से देख सकते हो सारे के सारे ही। ये अंश बेड भाई, मुझे माफ़ कर देना, नाम नहीं पढ़ पा रहा मैं। ये वेल्ट्रियक भाई साहब है, इनका स्टिकर मैं बहुत टाइम से भूल गया। फिर ये है भाई साहब, नाम अजीब अजीब से रखते हैं भाई, थोड़ा अच्छा नाम रख लिया करो यार। अगर ये उसका असली नाम है तो भाई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं नहीं ले पाता हूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ। अतुल बोस, ठीक है। ये फिर दूसरा नाम भाई, फिर ये दूसरा नाम प्रशांत, प्रशांतजीत, हाँ। फिर है शशि कुमार भाई साहब। सुनील भैया, मेरा नाम कब लगाओगे, लगा दिया भाई। और नीचे है गाइस ये गीतिका कुछ करके, ठीक है, डांसर शायद, हाँ। तो ये है हमारे मेंबर्स। आप लोगों को ज्वाइन करना तो आप लोग भी कर सकते हो भाइयों, और जब ये टेबल पूरा भर जाएगा हम ड्रैगन एमएस लाएंगे, ठीक है। तो जरूर से जरूर चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत ही सस्ता में मिलता है। ओके गाइस, तो हमारा एल ड्रैगो आ चुका है डिस्ट्रक्टर वाला। इसका नाम है गाइस एल ड्रैगो डिस्ट्रॉयर FS फाइनल सर्वाइव। तो ये कुछ माजरा है इसका, डिस्ट्रॉयर शायद हैशब्रो में बोलते हैं, ये टकारा टोमी का है एल ड्रैगो डिस्ट्रॉयर। तो पता नहीं भाई अब क्या बोलें इसको, मैं अभी तक 4 साल से इसको डिस्ट्रॉयर बोलता आ रहा हूँ, अब एकदम से इसको डिस्ट्रॉयर नहीं बोल सकता गाइस। पर ठीक है, ये सब पार्ट्स मिलते हैं, फेस बोल्ट, मेटल लेयर, फिर रबड़ लेयर, उसके बाद में स्पिन ट्रैक। स्पिन ट्रैक के साथ में टिप है, तो ये है FS फाइनल सर्वाइव टिप, ठीक है। ये वाला लॉन्चर मिलता है इसके साथ में, वाइट लेफ्ट स्पिन लॉन्चर, ये भी देख लेंगे भाई कैसा निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं बेब्लेड के ऊपर, देखते हैं बेब्लेड में क्या क्या मिलता है हमको। ओ भाई, सबसे पहले तो गाइस इसके स्टिकर्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये रेड रेड जो है ना, ये हमको लगाने पड़ेंगे, और ये बहुत ही हार्ड होगा शायद, तो जहाँ तक मुझे लगता है, बट कर लेंगे गाइस। तो ये है स्टिकर्स का माजरा, यहाँ पे स्टिकर्स हैं, यहाँ पे है FS जो कि वर्किंग कंडीशन में है, अगर देख पाओ तो गाइस नाइस। इसको अगर ज़्यादा तेज लॉन्च करेंगे तो ये जो इसका टिप है वो अंदर घुस जाएगा, दिखाऊंगा मैं बाद में। यहाँ पे की है, ये स्टिकर्स है, रिपकोड है, ये भी देखनी है, टेस्ट करनी है, पता नहीं कैसी निकलेगी, बट हाँ क्वालिटी ठीक रहती है इनकी फेक वालों से, बट पावर में थोड़े फेक वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है गाइस ये इनके साथ, मिड फेक्स में लॉन्चर में दिक्कत आती है। बेब्लेड्स तो बिल्कुल मस्त क्वालिटी के होते हैं, बट लॉन्चर्स में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है। और चिचा, ये है हमारा लेफ्ट स्पिन लॉन्चर, ये लॉन्चर मेरे पास पहले आ चुका है तो मुझे पता है ये कैसा होगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है गाइस, बट बाद में लॉन्चिंग के टाइम पे थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो जाता है इनका, वो देखना होगा बस। ये है एल ड्रैगो डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय कह सकते हो उसको, एल ड्रैगो डिस्ट्रॉय। आओ चिचा, बहुत टाइम के बाद में मैंने कोई एल ड्रैगो अनबॉक्स किया है, वो भी न्यू गाइस, मज़ा ही आ गया। तो ये है इसका मेटल फेस बोल्ट एंड रबड़, ये रबड़ ही है गाइस, एंड ठीक ठाक क्वालिटी का रबड़ है, नाइस। ओके, तो अभी इसको लॉन्च करके देखेंगे भाई क्या कुछ जमाजरा रहेगा, क्या ये स्पिन सीलिंग भी कर सकता है, वो भी देखना पड़ेगा हमको, पर पहले तो इसके स्टिकर्स लगा लेते हैं।
स्टिकर्स लगाने से पहले एफएस को भी देख सकते हो, ये एफएस है एंड इसका काम यही है। ये देखो ये अभी टिप है, पॉइंट टिप है। अब जब ज़्यादा तेज़ लॉन्च करेंगे तो ये अटैक मोड हो जाएगा, ये इसका काम है गाइस। ठीक है, इसको कम कुछ हम ऐसे फिट कर सकते हैं। नाइस, तो अभी देखते हैं क्या कुछ माजरा रहेगा भाई, पहले स्टिकर्स लगाते हैं अब। ओके गाइस, तो जैसे कि इनके लॉन्चर होते हैं कई बार बेकार निकल जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे, तो फिलहाल तो ये बहुत अच्छा निकल गया। ये देखो भाई, ठीक है, कभी कभी बेकार निकलते हैं ये, कभी कभी बहुत अच्छे निकल जाते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। नाइस, ओके, तो हम करेंगे स्ट्रिंग लॉन्चर से फिर भी, एंड देखेंगे भाई ये स्पिन स्टीलिंग भी कर सकता है क्या। लेकिन हाँ गाइस, जैसे कि एफएस है ये सबसे घटिया ड्राइवर मेरे को लगता है, जो एफडी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं लगता इतना अच्छा, क्योंकि इसका जो आफ्टर लाइफ वाला सिस्टम है, जो सर्वाइव करता है बाद में, वो बहुत ही बेकार है इस ड्राइवर का। बट ठीक है गाइस, करते हैं फाइट एंड देखते हैं कुछ बेब्लेड से क्या झंडे गाड़ पाएगा ये, लेट्स सी। बे चिचा गाइस, तो इस बार मैं दो प्लेयर आ गए हैं, 3-2-1 हो जाए शुरू। अरे भाई महात्मा। ओके गाइस, नेजुको के तोते उड़ गए हैं, बट ठीक है, एल ड्रैगो देखते हैं क्या करता है। कम ऑन एल ड्रैगो ब्रो, स्पिन स्टीलिंग करेगा और मैच को इक्वलाइज कर देगा, लेकिन एंड में आके हार जाएगा, क्योंकि गाइस एंड में लियोन का जो टिप है वो उसको बचा लेगा, लेकिन एल ड्रैगो को कोई नहीं बचा पाएगा भाई। अभी फ़िलहाल इसका रबड़ कम कॉन्टैक्ट में आ रहा है, एंड गाइस जैसे कि मैंने बोला था एंड में हार ही जाएगा। इसका जो ये ड्राइवर है वो मुझे नहीं पसंद भाई, एफएस, इसकी जगह कोई और होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है, ये भी इसका गेमी किया गया, इस तो कुछ करा नहीं जा सकता उसके लिए। बट हाँ, इसका मोड चेंज हम कर सकते हैं, वो भी करेंगे एक दो बैटल करने के बाद। ट्विस्टेड टेम्पो, लेट्स सी ट्विस्टेड क्या झंडे गाड़ेगा। 3-2-1 हो जाए। फ्लावर एंगल, फ्लावर एंगल, ये ब्रो नहीं कर पाया फ्लावर एंगल, एंड हो गया तोता उड़, मैना उड़, जो भी है वही। ये देखो स्पिन स्लिंग कर रहा है, अब रबर टच हो रहा है इसका पूरा पूरा। जब आवाज़ बहुत कम आए समझ लो भाई कि रबर टच हो रहा है। ये चिचाओ जीतेगा ट्विस्टेडी गाइस, इस बेब्लेड में कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके ड्राइवर को छोड़ के। इसकी वजह से ये हमेशा हारता है। मैं इसका एक वो भी चेंज करके देखूंगा ड्राइवर भी लास्ट में, अभी थोड़ा सा इसका मोड चेंज करके देखते हैं कैसा निकलेगा मोड चेंज करके। ओके, तो अब अगर देख पाओ तो इसके रेड रबड़ जो है वो यहाँ से एक फेंग की तरह बाहर आ रहा है, और ये ऐसे घूमेगा तो ये स्पिन स्लिंग अब ज़्यादा करेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि रबड़ ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, मेटल कम हो रहा है, तो ये वाला मोड शायद ज़्यादा सर्वाइव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, 3-2-1 हो जाए शुरू। मैंने बहुत स्लो लॉन्च किया है, देखते हैं स्पिन स्लिंग करके क्या कर पाता है ये। एंड हाँ गाइस, स्पिन स्लिंग तो करता है नो डाउट। ये देखो भाई, ओहो अटैक टाइप में हो गया था भाई एक बार के लिए तो, ट्विस्टेड की पावर खींच के। नाइस, ये तो अलग चीज़ है भाई, ग्रेविटी सिस्टम, क्या कहते हैं वो, आइंस्टाइंस के लो, सारे तोते उड़ा दिए उसके। ये देखो भाई, इसको मैं हैंड स्पिन भी करूँगा तो भी सर्वाइव कर लेगा ये, रबड़ की फ़ायदा ये होता है। तो ठीक है, इस बार मैं हैंड स्पिन ही करूँगा इसको, एंड देखेंगे ये कितना सर्वाइव कर पाएगा। फैंटम के सामने करते हैं गाइस, ये लीजिए फैंटम और आइन। ओके, 3-2-1 हो जाए शुरू। अबे भाई, अटैक टाइप लॉन्च कर दिया मैंने हाथ से वो भी। मेरा फैंटम भाई, फैंटम जब भी गिरता है ना मेरी आत्मा सूख जाती है, क्योंकि देखो अब की बार तो इसमें डैमेज आया है, टेढ़ा हो गया भाई बैरिंग, यही कह रहा था मैं, मेरे तोते उड़ जाते हैं जब भी फैंटम को कुछ होता है, लेकिन हो गया गाइस इस बार तो उसको। चलो दोबारा करो, इसीलिए मैं बाउंड्री लगाता हूँ हर बार, लेकिन ये वाला टेबल अलग है गाइस, रुको मेरे को लॉन्च करने देते ना। चलो 3-2-1 हो जाए शुरू। इस बार अटैक टाइप नहीं लॉन्च कर पाया, बट ठीक है गाइस, ये फिर भी सर्वाइव कर लेगा एंड तक। ये इसकी खासियत है इस रबड़ की, बट जब
टिप चेंज करेंगे हम तब और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ये, क्योंकि उसके बाद में इसको कोई हराने वाला नहीं है गाइस, समझ रहे हो? अभी ये इसी टिप की वजह से हार रहा है, तो ठीक है टिप चेंज करते हैं आप इसकी। ठीक है, तो इस बार मैंने इसको दे दी है वाइड डिफेंस टिप, अब देखते हैं कितना बढ़िया करेगा, क्योंकि FS में तो लास्ट में हार जाता है, वैसे तो काम सही करता है। हैंड स्पिन करेंगे, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। पूरा रबर टच हो रहा है गाइस, नाइस। इस बार मुझे आस है कि जीत जाएगा, हालांकि फैंटम के पास फिर भी बैरिंग है तो उसके पास और ज़्यादा एडवांटेज है, बट अब इसका बैरिंग भी ख़राब हो गया गाइस, देखो कितनी आवाज़ कर रहा है ये, क्योंकि टेढ़ा हो गया है वो। क्या आवाज़ है? अरे अभी बंद हो गया ना, पहले कर रहा था। तुमको झूठा प्रूफ करने लगे रहते। ये तो है। ओके, फाइट थोड़ी स्लो चलती है गाइस, क्योंकि स्पिन स्टीलर्स हमेशा यही करते हैं, फाइट को स्लो कर देते हैं, बट ठीक है। हाँ, बैरिंग ने थोड़ा सा बचा लिया मिली सेकेंड से, ट्विस्टेड से या किसी और से करना पड़ेगा हमको। रुकिए जरा, इससे करके देखते हैं साइग्नस से। साइग्नस एक चीज़ और है साइग्नस की, साइग्नस भाई साहब थोड़े से डाउन है तो पूरा ही रबर टच करेगा वो। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अरे यार। ओके, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। लेट्स सी गाइस क्या रहता है इस बार। मैं पूरा पूरा श्योर हूँ कि जीतेगा तो एल ड्रैगो ही, और देखो पूरा पूरा टच भी रबड़ ही हो रहा है, क्योंकि भाई रबड़ ही है एक जो टच हो रहा है इस बार। रुको गाइस, लो रबड़ की आवाज़ सुनो। दिस इज रबड़ की आवाज़ गाइस, बहुत ही कम मेटल यूज़ हो रहा है, एंड विनर है। अबे ये कैसे हुआ यार, हट। ओके, टैंक पेगासस से करते हैं, इससे कोई नहीं जीत पाता है, हालांकि वो किसी से भी नहीं जीत पा रहा है, ये बात भी अलग है। चिचा पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, एल ड्रैगो में ही दिक्कत है गाइस। 3, 2, 1 हो जाए। एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर है ही नहीं अच्छा भाई, मेरे को आज तक नहीं पसंद आया। मैं 2-3 ओरिजिनल यूज़ कर चुका हूँ और मिड फेक भी आज यूज़ कर लिया, सेम परफॉर्मेंस है गाइस, नहीं जीतेगा वो। अरे भाई रबर टिप भी हार रही है, जीतेगी उससे यार, हट। दोबारा करेंगे, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। उल्टा करके फेंक दिया भाई ऊपर से ही स्टेडियम में, सारा मोमेंटम खत्म करके झंडे से गाड़ दिए हैं डिस्ट्रॉयर के। लो भाई ये है गाइस, अब इसका लास्ट बैटल कर लेते हैं इसके राइवल से, कॉस्मिक पेगासस से, क्योंकि यही बचा है भाई। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये स्टार्टिंग में स्टेमिना टाइप रहता है, बाद में अटैक टाइप होता है, और वो उल्टा है गाइस, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, यही दोनों राइवल्स भी हैं तो इसीलिए अपोजिट्स हैं ये। ठीक है, फिलहाल एल ड्रैगो जीत जाएगा ये वाला बैटल। नहीं 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 नहीं, भाई एल ड्रैगो को बहुत बेकार बनाया गया है गाइस। एल ड्रैगो डिस्ट्रॉयर मेरे को आज तक इसीलिए नहीं पसंद आया, वो एक बैटल नहीं जीत पाता ढंग से। ओके, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। नाइस, बदला लेते हुए गाइस। अरे थोड़ा तेज लॉन्च करो गाइस, लास्ट फाइट। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। कम ऑन एल ड्रैगो ब्रो, कुछ तो दिखा, झंडे गाड़ दे, तोते से उड़ा दे। ये अटैक टाइप, अटैक टाइप, अटैक टाइप। अब पेगासस अटैक टाइप होगा, ये स्टेमिना टाइप हो गया है, पेगासस हो गया अटैक टाइप, एंड देखते हैं भाई इन दी एंड जीतेगा कौन। विनर होगा कॉस्मिक। इसका लाइफ आफ्टर डेथ बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। ये जो टिप है ये इतनी ऊपर है, बाद में ये भिड़ जाती है भाई जमीन के, कुछ नहीं बचता इसमें। लेकिन इसका बहुत अच्छा है, वाइड टिप है, बेशक रबड़ हो, लेकिन ये स्टार्टिंग में स्टेमिना टाइप रह के अपना स्टेमिना बचा लेता है, एंड में अटैक करके आगे वाले का स्टेमिना ख़त्म कर देता है। ये एक परफेक्ट बेब्लेड है, और ये शायद एक गलती है भाई, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मेरे को आज तक कभी भी डिस्ट्रॉयर नहीं पसंद आया। इसको मैंने इतना कोशिश किया अच्छा बनाने का, मोड्स ट्राई किए, लेकिन ये नहीं बन पाया भाई। इसको बस एक लास्ट चीज़ कर सकते हैं, इसके साथ बैरिंग ड्राइवर लगा सकते हैं बस,
उसके साथ ही ये सरवाइव कर सकता है बेब्लेड्स के साथ, क्योंकि एल ड्रैगो डिस्ट्रॉयर भाई पता नहीं यार क्यों मेरे को नहीं इतना अच्छा लगा, कभी नहीं लगता ये अच्छा इतना, क्योंकि हमेशा इसका जो एंड में हारता है, पूरी बैटल ख़त्म कर लेगा लेकिन एंड में हारना इसका ही निश्चित होता है भाई। ये अगर पहले से मेरी वीडियोस भी देख रहे होगे तो हमेशा का यही है, ये हमेशा हारता ही है एंड में जाके, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, बताओ कैसी लगी, करते हैं समाप्ति वीडियो की, बाद में करेंगे एल ड्रैगो वर्सेस एल ड्रैगो भी, अभी के लिए रहने दो।